या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। नमस्कार मित्रों, जय सियाराम, नमस्कार। ऋषि कात्यायन ने माँ भगवती की कठिन तपस्या से उन्हें प्रसन्न किया और इच्छा प्रकट की कि माँ भगवती उनके घर पुत्री रूप में जन्मे। माँ ने ऋषि कात्यायन की प्रार्थना स्वीकारी और उनके यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई और देवी कात्यायनी कहलाईं। माँ कात्यायनी ने ही अत्याचारी महिषासुर का वध किया था। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप के रूप में पूजित माँ कात्यायनी सिंह पर विराजमान हैं। इनकी चार भुजाएं हैं जो अभय और वरद मुद्रा में कमल पुष्प व अस्त्र से सुसज्जित हैं। माता की आराधना से, उपासना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, पाप, संताप नष्ट होते हैं, वे निर्भय हो जाते हैं। माता कात्यायनी का संबंध ज्योतिष में बृहस्पति और शुक्र से जोड़ा जाता है। माँ की उपासना से, उनकी कृपा से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, मन वांछित जीवन साथी प्राप्त होता है। जो लोग विवाहित हैं उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। विवाह की सभी बाधाएं, सभी अड़चनें समाप्त होती हैं। माँ का मंत्र है कात्यायनी महामहे महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। माता के इस मंत्र का जप करना चाहिए, इससे मंगल दोष भी समाप्त होता है। गोधूल बेला पर माँ की पूजा पीले सुगंधित फूलों, पीले नैवेद्य, शहद, पीले वस्त्र का प्रयोग करके करनी चाहिए। तो मित्रों, इसी जानकारी के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय सियाराम।